तो IPL 2023 जहां पर एक तरफ एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट हुआ था, तो वहीं पर दोस्तों एक तरफ ये भी बात बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि कुछ ऐसे मेजर खिलाड़ी बड़े नाम थे जिन्होंने IPL 2023 को मिस किया था, और ऐसे में IPL 2024 में आगे बढ़ते हुए आखिर कौन से ऐसे 10 बड़े नाम हैं जिनकी वापसी आपको देखने को मिलेगी इस टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट की शान को, आन और बान को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए 10 बड़े नाम, बड़े खिलाड़ियों की सूची आपके सामने रखूंगा जो IPL 2024 में वापसी करते हुए नजर आएंगे। कौन से इनमें से आपके फेवरेट खिलाड़ी, कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के ब्रांड न्यू और सबसे बेहतरीन, सबसे क्वालिटी एनालिसिस पूरे YouTube पर जो IPL 2024 पर बन रहा है डॉक्टर ग्रेग पॉइंट की तरफ से, आप लोगों तक हर एक बार बारंबार हर एक दिन पहुंचता रहे। और याद रहे कि हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना ना भूलें। जी हां दोस्तों, टेलीग्राम पर हमारी एक प्यारी सी फैमिली, एक अलग दुनिया है जहां पे बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें, न्यूज, रिपोर्ट्स, IPL 2024 पर अपडेट, जो कुछ भी आती है मैं वहीं पर शेयर करता हूं और सिर्फ वहां की ही जनता को वो सारी खबरें मिलती हैं। तो ऐसे में भैया आप क्यों भूले भटके शिविर से हैं, आप भी जाइए फटाफट से हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। लेकिन हम चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। 10 बड़े नाम रखने वाला हूं और इस सूची में आता है नंबर एक नाम, स्टीव द अनप्रिडिक्टेबल द क्वालिटी स्मिथ का। जी हां दोस्तों, स्टीव स्मिथ को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर हैं, और स्पेशली जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो शायद इस वक्त विश्व क्रिकेट में उनसे बेहतर टेस्ट क्रिकेटर कोई होगा। लेकिन टेस्ट की ही बात नहीं है, T20 में भी इस खिलाड़ी का सूरमा चलता है और बिग बैश में इन्होंने इसका हमें पिक्चर दिखाई थी। भैया क्या गजब की पारियां खेल रहे थे, शतक जड़ रहे थे, विस्फोटक अंदाज में खेल रहे थे, अनऑर्थोडॉक्स अंदाज में खेल रहे थे, और ये दिखाया, बताया और जताया था इन्होंने कि भैया ये बंदा ना सिर्फ टेस्ट मटेरियल नहीं है, ये अलग अलग प्रारूपों में रन बना सकता है, ये T20 में भी तहलका मचा सकता है। पहले भी IPL खेल चुके हैं, इनफैक्ट राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के तो कप्तान तक रहे हैं और फाइनल तक टीम को पहुंचाया है। IPL 2023 में अनुपस्थित थे और बहुत ज्यादा यहां पर फैंस की उम्मीदें थी कि भैया ये खेल जाए टूर्नामेंट, लेकिन इन्होंने खुद को ऑप्ट आउट कर रखा था। और ऐसे में एक बार फिर से स्टीव स्मिथ का जलवा हमें IPL में देखने को मिलेगा, हालांकि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कौन सी टीम इस खिलाड़ी को टारगेट करती है। और इसके बाद इस सूची में नंबर दो पर आते हैं दोस्तों, ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को आप सभी लोग जान रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स टीम की दिल धड़कन जान उनके कप्तान है, लेकिन 2023 IPL के पहले एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इनके साथ होता है जिसके चलते ये 2023 IPL का हिस्सा नहीं बन पाए थे। हालांकि अगर मैं बात करूं इनकी रिकवरी की तो वो काफी बेहतरीन चल रही है और ODI वर्ल्ड कप में भी इनको खेलने को लेकर सनसनी है। हालांकि मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता कि वर्ल्ड कप ये खेलेंगे या फिर नहीं, जो कि शायद बहुत ही मुश्किल है कि ये खेल पाए। लेकिन जब आप 2024 IPL की बात करते हैं तो जिस तरीके से इनकी रिकवरी चल रही है, ये बात तो मैं 100% कह सकता हूं कि तब तक ये पूरी तरीके से फिट होंगे, पिक्चर सुपर हिट होगी और दिल्ली कैपिटल्स टीम को 2024 में लीड करते हुए, यानी कि नेतृत्व करते हुए नजर आएगा ये युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत। और ऐसे में इनकी वापसी दिल्ली की टीम के लिए एक बड़ा बूस्ट होगी, जिनका 2023 का साल हम सभी लोगों ने देखा था। और उसके बाद दोस्तों नंबर तीन पर आते हैं, पंजाब किंग्स के तूफानी विस्फोटक ओपनर और बल्लेबाज जॉनी बेस्टो। अब जी हां दोस्तों, इस विकेटकीपर बल्लेबाज को पंजाब किंग्स ने खूब मिस किया। इन्होंने रिप्लेसमेंट के तौर पर मैथ्यू शॉर्ट को साइन किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते थे और जिनकी काबिलियत तो बहुत ज्यादा थी, पर उतना ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट ये कर नहीं पाए इस सीजन। और ऐसे में आगे बढ़ते हुए ये टीम निश्चित तौर पर शायद मैथ्यू शॉर्ट को रिलीज करे और जॉनी बेस्टो, जो कि इस टीम का ऑलरेडी हिस्सा थे, हालांकि इंजरी के चलते यहां पर टीम को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उनको ये टीम डायरेक्टली ड्राफ्ट इन करेगी अपने मेन स्क्वाड में, यानी कि उनको रिटेन करेगी। और ऐसे में जॉनी बेस्टो का रिटर्न कहीं ना कहीं इस टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा, जो ऑलरेडी पूरी तरीके से फिट हैं, एशेज में खेल भी रहे हैं और निश्चित तौर पर अगर फिट और तैयार रहेंगे IPL 2024 के लिए, तो वहां पर भी आपको पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, जो कि मुझे लगता है कि इस टीम को एक मच नीडेड बूस्ट देगा टॉप ऑफ द ऑर्डर में, जहां पर ये टीम खासा स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी IPL 2023 में। और इसके बाद दोस्तों नंबर चार पर आते हैं एक और कप्तान, श्रेयस अय्यर। जी हां भैया, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान जब इस टूर्नामेंट से बाहर हुए थे तो वो KKR टीम के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि ये टीम अब बिल्कुल ही तैयार थी नहीं कि भैया श्रेयस अय्यर जैसे अपने कप्तान को ये टीम मिस करेगी। हालांकि नीतीश राणा कप्तान बनते हैं और मेरी समझ से उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन तो टीम ने किया था, लेकिन श्रेयस अय्यर का आना इस टीम के लिए बड़ा बूस्ट होगा, जो कि NCA में रिकवरी कर रहे हैं और उम्मीद है कि IPL 2024 के तो भैया काफी पहले ये खिलाड़ी फिट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और आपको नजर भी आएगा IPL 2024 में, इनफैक्ट वर्ल्ड कप में भी ये आपको नजर आने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों नंबर पांच पर आते हैं मुंबई इंडियंस टीम के स्पीडस्टर जसप्रीत बुमराह। आपको पता है बूम बूम बुमराह, वो एक जोड़ी बनाना चाहती थी हमारी टीम बुमराह एंड जोफ्रा की, वो जोड़ी तो कभी बन नहीं पाई, लेकिन भैया 2024 में जाते हुए आप जसप्रीत बुमराह को तो पूरी तरीके से फिट मानेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो आपको नजर आए इस टीम के लिए। हालांकि अभी तो वो फिट हो चुके हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे ऐसा उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्या 2024 तक IPL में वो अपने
आपको फिट रख पाते हैं या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस बार एनसीए बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन उनके साथ रख रहा है और ऐसे में अगर उनका वर्कलोड सही तरीके से मैनेज हुआ तो आईपीएल 2024 में आपको एक बार फिर से बूम बूम बुमराह, मिसाइल यॉर्कर लोडेड बुमराह आपको नजर आने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस। जी हां दोस्तों, एशेज को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने आईपीएल 2023 से खुद को रूल्ड आउट कर लिया था क्योंकि वो ज्यादा टेस्ट प्रारूप पर ध्यान देना चाहते थे। और ऐसे में जब आप बात करते हैं यहां पे आईपीएल 2024 को लेकर, तो ये माना जा रहा है और ये लगभग तय है कि भैया केकेआर टीम के फॉर्मर केकेआर प्लेयर पैट कमिंस आपको आईपीएल 2024 में नजर आने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों ये किस टीम का हिस्सा बनेंगे, ये एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा होगा क्योंकि इस तरीके के ऑलराउंडर की ना ही सिर्फ केवल बहुत ही ज्यादा डिमांड है बल्कि मिनी ऑक्शंस में तो खासकर ऐसे प्लेयर्स काफी हाई वैल्यू में जो है सोल्ड होते हैं दूसरी टीमों में। और उसके बाद दोस्तों नंबर 7 पर इस सूची में आते हैं एलेक्स हेल्स। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स जो कि हाल फिलहाल में इसके पहले यानी कि आईपीएल 2023 के एक्चुअली पहले काफी बेहतरीन लय में थे, लेकिन उन्होंने भी सरप्राइजिंगली खुद को रूल आउट कर लिया था आईपीएल 2023 से क्योंकि वो इंग्लैंड टीम में रिटर्न करने के लिए खुद को ज्यादा फोकस रखना चाहते थे। अब रिटर्न की बात तो चलिए एक अलग कॉन्सेप्ट रह चुका है, लेकिन जब आप बात करेंगे आईपीएल 2024 की तो कहीं ना कहीं फॉर्मर केकेआर प्लेयर ये भी रहे हैं। हालांकि केकेआर टीम ने जेसन रॉय को लाया जो कि शायद उनके लिए बहुत बेहतरीन करके आए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस खिलाड़ी की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं अपने आप को 2024 में तो जरूर ही ऑक्शन में रखना चाहेंगे। और अगर ये आते हैं तो बहुत सारी ऐसी टीमें जो तूफानी ओपनर्स को ढूंढ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी की तरफ अपनी नजरें दौड़ाएंगे। और उसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर आते हैं आरसीबी टीम के तूफानी बल्लेबाज या फिर शायद मैं कहूंगा ऑलराउंडर विल जैक्स। जी हां दोस्तों, विल जैक्स के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि 2023 ऑक्शन में आरसीबी टीम ने कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी को साइन किया था। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ये सीजन का हिस्सा नहीं बन पाए थे क्योंकि इंजरी के चलते ये पूरे सीजन से रूल्ड आउट हो गए थे और टीम ने रिप्लेसमेंट के तौर पर माइकल ब्रेसवेल को साइन किया। हालांकि आईपीएल 2024 में जाते हुए इस टीम के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि ये ब्रेसवेल और विल जैक्स दोनों को होल्ड कर सकते हैं। अब ये किसको होल्ड करेंगे, किसको रिलीज करेंगे, ये तो इनकी कॉल होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से विल जैक्स के पोटेंशियल पर टीम ने इन्वेस्ट किया है, मेरी समझ से आईपीएल 2024 में वो आरसीबी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में अगर नहीं भी आते हैं, टीम रिलीज भी करती है मान लो, तो फिर ऑक्शन में तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगे और इस खिलाड़ी के पोटेंशियल पर आपको यहां पर निश्चित तौर पर निगाह और ना ही कोई संदेह रखना है क्योंकि खिलाड़ी बहुत लाजवाब है और बहुत बेहतर करेगा। तो ऐसे में दोस्तों ये तो है यहां पर टॉप 8 खिलाड़ी। अब इसके बाद दो नाम ना मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम रखने वाला हूं जो कि आते हैं दोस्तों क्रिस गेल और मिचेल स्टार्क। जी हां, नंबर 9 और नंबर 10 पर ये दो नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्रिस गेल को लेकर अगर मैं चर्चा करूं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्रिस गेल ने अभी तक कोई ऑफिशियल रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया। इनफैक्ट हाल फिलहाल में उनका एक स्टेटमेंट आया था जहां पर उन्होंने बोला था कि भाई मेरे पास अभी भी क्रिकेट बची हुई है और इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं, लेकिन आप मुझे इधर उधर क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हो। और ऐसे में क्या आईपीएल 2024 में वो खुद को ऑक्शन में रखेंगे या फिर नहीं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है और जो कि डेफिनेटली उन पर डिपेंड करती है। लेकिन जिस तरीके के खिलाड़ी क्रिस गेल हैं, अगर वो रखते भी हैं तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। वहीं पर जब आप बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिचेल स्टार्क के नाम को लेकर, तो हमेशा आपको पता है कि मिचेल स्टार्क ने खुद को आईपीएल से दूर रखा है क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस करना चाहते रहे हैं। लेकिन 2023 आईपीएल से जब उन्होंने अपने आप को बाहर रखा था तो एशेज के लिए रखा था। हालांकि पहले एशेज मुकाबले में तो टीम ने उन्हें प्लेइंग 11 में भी नहीं खिलाया। अब ऐसे में क्या यहां पर मिचेल स्टार्क एक बार फिर से सोचेंगे और जो यहां पर इतनी कैश रिच लीग है, क्या यहां पर पैसों के मामले में या फिर इस T20 टूर्नामेंट को खेलने के लिहाज से 2024 T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए वो अपने आप को इस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल कराएंगे या फिर नहीं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। हर बार लगता है कि वो अवेलेबल होंगे लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। हालांकि इस बार क्या वो अपने आप को अवेलेबल रखेंगे नहीं रखेंगे, ये तो भैया उन्हीं पर डिपेंड करता है, पर मेरी समझ से अगर वो खेलते हैं तो कोई बड़ी शॉकिंग बात यहां पर नहीं होगी। तो ऐसे में मेरे भाई ये हैं वो 10 नाम जो कर सकते हैं आईपीएल 2024 में वापसी और बना सकते हैं इस इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। हालांकि मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी अब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी वापसी होगी, जैसे कि झाई रिचर्डसन, काइल जेमिसन, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो इंजर्ड थे और आपको आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन यहां पर मैंने 10 बहुत ही डोमिनेटिंग एंड प्रोमिनेंट नाम रखे। आपकी समझ से किसके रिटर्न को लेकर आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग जानदार शानदार कमालदार लाजवाब वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचे। और याद रहे हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा जरूर बने बहुत सारे एक्सक्लूसिव और बहुत सारे शानदार क्रिकेट न्यूज एंड कंटेंट के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग एंड जानदार शानदार वीडियो एंड एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।